जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में हम सीखेंगे आज नेम चार्ट के बारे में, कैसे हम नेम चार्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और इसमें ही आपकी जो सेकंड मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग का आपका नेम चार्ट है जो टॉपिक का नाम है, और आपकी जो सेकंड हेडिंग होगी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब नेम, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट और मिड और लेफ्ट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगी ये आज की। तो सबसे पहले कुछ लोग का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नाम पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो नाम लिख लिया जाए। क्यों? तो कहाँ से किसी शीट से चले जाए, नाम होगा यहाँ पे। इतने लोग नाम लिख लेंगे, सीट फर्स्ट यहाँ है नाम। तो बहुत ज्यादा नाम नहीं चाहिए, बस 8 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम इसमें ज्यादा नहीं चाहिए। ये फर्स्ट नेम हो गया आपका, क्या हो गया? ये फर्स्ट नेम। ठीक है, देखिए सबका नाम हो गया है, फर्स्ट नेम हो गया। लास्ट नेम का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, लास्ट नेम का मतलब क्या होता है? क्या होता है लास्ट नेम का मतलब? इरफान। लास्ट नेम का मतलब क्या है बाबू? कहाँ है इरफान? लास्ट नेम का बाबू मतलब लास्ट नेम, वेरी गुड, सर नेम। और टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल मतलब कैटेगरी होता है। टाइटल मतलब भी वही होता है, गुलाम हुसैन। आप बताइए, इरफान सही। टाइटल का मतलब बच्चों होता है जो नाम से पहले लगता है, मिस्टर मिसेस कुमारी जो लगता है उसको टाइटल बोलते हैं। इसको हम लास्ट नेम या सर नेम ही बोला जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो नीरज, नीरज कौन है? लास्ट नेम बताइए अपना। कुमार। राहुल तिवारी। अच्छा कुशवाहा, कुशवाहा। अजीत पाल। मोनू कुमार। मंटू यादव। आशिक अंसारी। सही है, आरिफ अंसारी आया। आरिफ कल नहीं आया था ना, सर को व्यवस्था कर रहे हैं इसका भी। नसीब अंसारी, साइलेंट रहिए, बात मत करिए आप। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने कुछ काम नहीं किया, अभी बस नाम हाथ से नॉर्मली लिखा हुआ है कि नीरज है, उनका पूरा नाम है कुमार है। ठीक है, ऐसे सबका मैंने लिख दिया। अब सबनेम क्या होता है बच्चों? सबनेम का मतलब क्या होता है? आप लोग नॉर्मल सोचिए, तुमको तो सब चाहिए, सब मतलब सारा टोटल, यानी यही बात यहाँ भी है। अगर सब दोनों नाम को एक साथ लिख दिया जाए तो क्या बोलेंगे? सब नेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे तुमने कहा सब, सब हमको चाहिए, सब, सब वर्ड किस लिए यूज करते हो? सारे के लिए, टोटल के लिए। तो यहाँ भी वही काम करता है, यहाँ जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? सब नेम। और सब नेम करने के लिए फार्मूला होता है कनकंटिनेट। क्या होता है? कनकंटिनेट होता है फार्मूला, याद रहेगा ना हमेशा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, कनकंटिनेट थोड़ा सा लिखेंगे अपने यहाँ पहले पे आ जाएगा, सी यूनियन लिखेंगे तो अपने यहाँ पे आ जाएगा। और टैब दबा के क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसी का टेक्स्ट वन। जैसे मान लो तीन नाम होता तो नीरज कुमार चौधरी इस तरह नाम होता, तीन नाम हो गया ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री का मतलब समझ में आ ही रहा होगा। तो मैंने फर्स्ट नेम ले लिया कामा, और टेक्स्ट टू में क्या ले लिया? कुमार। और ब्रैकेट क्या कर दिया? बंद कर दिया और एंटर कर दिया। क्या हो गया? नीरज कुमार। देखिए एक ही साथ जुड़ गया, और एक का नहीं सबका जुड़ गया। देखिए क्यों उसे छोटा हो रहा है, बड़ा। ठीक है, नाम जुड़ गया ना, नीरज कुमार। ठीक है, देख सकते हैं नीरज कुमार में कोई स्पेस नहीं है, राहुल कुशवाहा में कोई स्पेस नहीं है, अजित पाल में कोई स्पेस नहीं है, सबके नाम में, नसीम अंसारी में कोई स्पेस नहीं है, मतलब नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। उसका रीजन है, नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसका रीजन है, और स्पेस भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा अपर लोअर प्रॉपर क्या है? स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, केस कितने होते हैं? केस कितने होते हैं? केस कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? अंजनी पढ़ रही है भाई, बता रही है। अपर, वेरी गुड। अपर होता है, लोअर होता है,
और सेंटेंस केस होता है। क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस केस को ही यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रॉपर बोला गया है। सेंटेंस केस को ही क्या बोला गया है? प्रॉपर बोला गया है। अपर में क्या होते हैं? सारे लेटर कैपिटल होंगे। सारे लेटर क्या होंगे? कैपिटल होंगे। लोअर में पहले क्या होंगे? सारे लेटर स्मॉल। सारे लेटर क्या होंगे? स्मॉल होंगे। और प्रॉपर में क्या होंगे? पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। समझ में आ गई बात ना? तो यही होता है अपर लोअर प्रॉपर का। तो सेंटेंस को ही क्या कहा गया है? प्रॉपर कहा गया, क्योंकि यहाँ फार्मूला सेंटेंस के नाम से नहीं आता है, प्रॉपर के नाम से। समझ में आ गया ना? ये अपर केस है, सारा लेटर बड़ा, लोअर है, सारा लेटर स्मॉल, और प्रॉपर में पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। प्रॉपर को और क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस केस बोल सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, समझदार है आप। तो कैसे करेंगे आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो हेडिंग है वही बच्चों फार्मूला बनता है, इक्वल टू अपर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और पूछेगा टेक्स्ट जिसको ऊपर करना है, सबनेम को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करते हैं? सबनेम। लेकिन देख सकते हैं आप, सबनेम आने के कैपिटल में कोई इफेक्ट ज्यादा पता नहीं चलेगा। अगर स्मॉल में होता सबनेम ना, तो इफेक्ट पता चलता, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। सबनेम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। अभी भी कैपिटल में आया, कैपिटल में आया ना, स्मॉल में भी रहता तो कैपिटल में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो यहाँ इफेक्ट पता चलेगा, यहाँ पे इफेक्ट पता चलेगा। देखिए कैसे, लोअर के लिए फार्मूला क्या होगा बच्चों? इक्वल टू लोअर होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे? सबनेम को, ब्रैकेट बंद और एंटर करिए। तो देखिए सब इस्तेमाल में कर दिया, हाँ देखिए सब लोग, देखिए सबका इस्तेमाल कर दिया। तो ऐसे यूज कर सकते हैं आप लोअर का। प्रॉपर में क्या है? प्रॉपर का यूज कैसे करेंगे? इक्वल टू क्या? प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन किया, इसको सिलेक्ट करेंगे सब नेम को। देखिए सब में सब नेम सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दिए। देखिए तो पहला लेटर ओ हो गया, देखिए सबका नाम का पहला लेटर कैपिटल किया है, बाकी सारे स्मॉल है। तो ऐसे आप अपर लोअर और प्रॉपर का यूज कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से। आसान है कि नहीं आसान है? पहले देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने नॉर्मली हाथ से लिखा, सब नेम फार्मूले से निकाल दिया कंटीन्यूअस से, और अपर लोअर प्रॉपर वही फार्मूला ही था। क्यों? और हर बार किसको सिलेक्ट किए? सब नेम को सिलेक्ट किए। क्यों? अच्छा, अब लेफ्ट राइट का मतलब क्या है बच्चों, समझना है आपसे। मान लो आपसे कोई कहता है कि जैसे नीरज कुमार लिखा हुआ है, पहले बच्चे का नाम है, उसका लेफ्ट से कोई अक्षर उठाइए, लेफ्ट से चार अक्षर पांच अक्षर उठा लीजिए। मैंने कहा लेफ्ट से कितना अक्षर चाहिए? पांच अक्षर चाहिए लेफ्ट से। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल टू लेफ्ट, क्या लगाएंगे? लेफ्ट। उसी का किसका लेफ्ट? तो मैंने कहा नीरज कुमार का, एक बच्चे का सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, कामा, कामा कितना अच्छा चाहिए लेफ्ट से? तो मैंने कहा पांच, चार, आठ, दस, जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा। मैंने पांच कहा और ब्रैकेट क्या कर दिया? बंद करके इंटर कर दिया। देखिए इनका पांच अक्षर का नाम ही है क्या? नीरज सही से आ गया, बाकी लोग देखिए क्या था, सबका पांच नहीं होगा, सबका पांच ही अक्षर आएगा। देखिए नंबर, देखिए क्या आया है, नीरज, राहुल, राहुल का सही है, अजीत पर, अजीत पर आया है, मोनू का, मंटू इसका नाम सही है, आशी का सही है, आरिफा, नसीम, नसीम का सही है, पांच अच्छा लगा है जिनका पांच, आरिफा है। समझ में आ गया ना? देखिए पांच अच्छा से ज्यादा आया क्या? ऐसे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, राइट से कोई कह रहे नहीं, राइट से चाहिए हमको, क्या लगाएंगे फार्मूला? इक्वल टू राइट। ये बताइए आखिर राइट किसके राइट? तो इस नाम ही के राइट ना, तो नाम को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नाम को सिलेक्ट करेंगे ना, कामा करेंगे। राइट से कितना चाहिए? तो मैंने कहा राइट से भी पांच ही चाहिए। मान लो आप लोग बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, जरूरत नहीं है कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना आप भी करें। हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। कुमार देखो इसका बराबर आ गया पांच अक्षर का, इसका दोनों बराबर ही आया। इसका हवाहा, इतपाल, कुमार, यादव, धरी, नसारी, नसारी, तो दिक्कत नहीं है ना? हाँ, दिक्कत कहाँ होगा तुम लोग, गधे हो तुम, देख रहे हैं आप लोग ना, आसानी से निकल गया। अच्छा, मिड का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ बीच से, देखो ये थोड़ा ट्रिकी होता है,
इसका इस थोड़ा ट्रिकी है, इसमें दो बार लिखना पड़ेगा, जैसे कि इक्वल टू मिड बीच, मतलब मिडिल मतलब बीच होता है, बीच का चाहिए, किसके बीच का, नीरज कुमार यानी नाम का कामा, तो पूछेगा स्टार्ट कहाँ करना है और एंड कहाँ करना है। तो मैंने मान लो कह दिया तीसरे अक्षर से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है, ये डिसाइड कर लिया। लेकिन याद रखिएगा, आप एक चीज समझा दूं मैं पहले, ये करने से पहले तो आपको समझाना चाहूंगा, आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ से मार्कर ले लिया और ध्यान से समझिएगा मेरी बात को क्या कर रहे हैं। जैसे नाम नीरज है ना, एन आई आर ए जे, उसका क्या है कुमार, कुमार ये है ना। अच्छा तो मान लीजिए पूछता है ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो मान लो मैंने कर दिया आर से, तीसरे से स्टार्ट करना है, कह दिया ना मैंने, मान लो आर से स्टार्ट करना है, तो आर किस लेटर पे है, तीसरे पे, तो तीसरे से स्टार्ट करेगा, लेकिन वो आर को तीन नहीं मानेगा, उसको एक मानेगा, क्या मानेगा, तीसरे से स्टार्ट करेगा, आर से स्टार्ट करेगा, लेकिन उसको क्या मानेगा, मान लो मैंने कह दिया तीसरे से लेके पांचवे तक, तो जो लोग समझते नहीं है वो समझतेंगे कि तीसरा आर है, चौथा और पांचवा यानी आर ए जी आएगा, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तीसरे को क्या काउंट करेगा, पहला काउंट करेगा और यहाँ से एक दो तीन चार पांच आएगा, रजकु आएगा, समझ रहे ना, मतलब तीन पांच आप अगर करते हैं तो ये नहीं सोचिएगा तीन चार पांच बस तीन ही अच्छा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे आप तीन से कहेंगे स्टार्ट करना है तो तीन को क्या मानेगा, वो पहला मानेगा और वहां से क्या काउंट करेगा, पांच को, यानी आर ए जे के यू इतना आएगा। जो लोग नहीं समझते उनको ये लगता है कि सिर्फ आर ए जी आएगा क्योंकि तीन चार पांच, लेकिन नहीं, क्या होगा, तीसरे को क्या मानेगा, पहला मानेगा और वहां से कितना काउंट करेगा, पांच काउंट करेगा, तीन काउंट करेगा, जो भी डाले होंगे कामा करके जो भी डाले होंगे। चलिए देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या कर लिया, तीन तीन डाले, हाँ तीन तीन डालेगा तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, तो पहले दोनों दिखा दे रहे हैं आपको। चलो तो पहले मैंने क्या डाल लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू मिड, मिड ब्रैकेट ओपन, किसको सेलेक्ट करेंगे, सबनेम को, कामा कर दे, स्टार्टिंग नंबर क्या कर दे तीन कामा और लास्ट नंबर पांच, ब्रैकेट ओपन कर दिए। दूसरे हिसाब से आपके आपके हिसाब से तो आना चाहिए आर ए जी, क्यों, तीसरा पे आर है, चौथा पे ए है, पांचवे पे जी है, लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा कि आर को क्या मानेगा, पहला मानेगा, देखिए देखो रजगु आया। अच्छा वही अगर हम यहाँ पे क्या करते तीन इंटू तीन कर देते तो क्या आता, तब राज आ जाता, तब क्या आता, राज आ जाता, देखिए समझ में आ गई बात ना, जहां से आप स्टार्टिंग करने के लिए कहते हैं उसको पहला अक्षर मानता है, क्या मानता है, पहला अक्षर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना, और ड्रैग कर देंगे हमारी पांच ही रहने देते हैं, कंट्रोल जेड कर दिया और ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा, हल्कू है हुकुम है नतुआ है, हिचकी हो जाता तब ना सही होता, सीमन नहीं तो सुमन हो गया लग रहा है, आरिफ का फिर से सही आ गया है, आई फैंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, निकाल लेंगे ना। अच्छा आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया वैसे, लेकिन एक दिमाग में आएगा, एक कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोग निकाल नहीं पा रहे होंगे, एक दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों ना नाम में स्पेस दे रहे हैं, क्यों ना नाम में, क्योंकि नीरज कुमार जो लिखा है आपस में चिपका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्यों, कई लोगों को होगा ऐसा, आप ही लोग मान लीजिए नया नाम आप लोग पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लोग नया नाम दे दिया जाए पढ़ने में तो थोड़ा टाइम लगेगा नहीं लगेगा, तो क्यों नाम स्पेस दे के लिखा जाए, तो क्यों नहीं स्पेस लिखते, इसका रीजन है अभी बताऊंगा, उससे पहले सब लोग जिनका भी नाम यहाँ पे मेंशन है सब लोग अपने नाम का अक्षर काउंट कर लीजिए, कितने अक्षर का नाम है आपका सब नेम में जो दिया हुआ, सब लोग अपने अपने नाम का अक्षर काउंट कर लीजिए, कितने नाम का अक्षर है आप लोग का मन में रख लीजिए, सब लोग मन में रख लीजिए, अपने अपने नाम का अक्षर काउंट कर लीजिए, मन में रख लीजिए, कर लिए हो गया। अच्छा नीरज कितने अक्षर का नाम है आपका, नीरज दस अक्षर का नाम, नीरज का कहना यह है कि उनका दस अक्षर का नाम, चलिए चेक कर लेते हैं कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, तो फार्मूला क्या लगेगा, लेंथ का फार्मूला लगेगा, लेंथ क्या लगेगा, लेंथ एल ई एन क्या लगेगा, एल ई एन ब्रैकेट ओपन किसका, अरे इक्वल टू नहीं लगाएगा, इक्वल टू एल ई एन ब्रैकेट ओपन किसका, लेंथ नीरज का, सब हर बार सब नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं और ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर कर दिया, कह रहे दस अच्छा सही आया है, और सबका ट्रैक करिए, देखिए सब लोग अपना चेक कर लीजिए सबका सही आया कि नहीं आया, आया है। अच्छा स्पेस क्यों नहीं दिया बच्चों, यही रीजन था, अगर मैं यहाँ पे नीरज के पास आके एक बार थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा, स्पेस दे दिया और इंटर कर दूंगा, देखिए हर चीज में स्पेस हो गया, देखिए नीरज कुमार
समय स्पेस हो गया, सिर्फ नीरज के पास आके स्पेस दिया, समय स्पेस हो गया। लेकिन नीरज का कितने अक्षर का नाम था? 10 अक्षर का नाम था। नीरज कुमार का नाम कितने अक्षर का था? अब कितना हो गया है? और ट्रैक करेगा सबका चेंज हो जाएगा। देखिएगा अभी नहीं, अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि सबके में ट्रैक करेंगे ना, सबके में करेंगे सबका हो जाएगा स्पेस। इसलिए स्पेस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि स्पेस को भी क्या मानता है वो, एक कैरेक्टर मान लेता है। मैंने बताया था कंपाइलर क्या करता है, स्पेस को भी एक कैरेक्टर मान लेता है। मान लो स्पेस को कैरेक्टर मानेगा तो गलत नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसीलिए हम स्पेस नहीं देते। ठीक है, किसको दिक्कत है बताइए, हो जाएगा? तो बच्चों आज की क्लास में यही टॉपिक था हमारा। अभी फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, फार्मूला लिख लीजिएगा आपको, तो तक हेडिंग नहीं है तो नोट कर लीजिए आपको। बाप ले, हाँ बाप ले। तेरे लिए सिग्नल तोड़ताड़ के इस क्लास में 100% कब होगा, अभी सोच रहा है। लिख लीजिए तो फिर बता रहे, एक और टॉपिक बताऊंगा इसमें, लिख लीजिए आप लोग। हाँ, तो समझ के लिखिए आप लोग, सब लड़ाई से जानी गए, लोअर प्रॉपर लेफ्ट, थोड़ा मैं कुछ ट्रिक भी सीखना है। लाइट ऑन करिए। जो ये राइट लेफ्ट मैंने बताया आपको, इसका यूज बहुत जगह कर सकते हैं आपको। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अकाउंट नंबर वगैरह लिखते हैं एक्सेल वगैरह में, अपने अकाउंट में देखा होगा आपने बैंक में,
या आप पेंसिल वगैरह चेक करते तो अक्षर देखते हो कितना भी बड़ा अकाउंट नंबर क्यों ना हो, आखिरी के चार अक्षर दिखते हैं, बाकी सब क्या होता है, स्टार बना होता है, या मोबाइल नंबर में भी देखे होंगे लास्ट के चार अक्षर दिखाते हैं। तो कैसे करते हैं उनका, यही तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ मोबाइल नंबर लिख दिया 9628045697 लिख दिया मैंने, और यहाँ मैंने क्या किया लिख दिया इक्वल टू डबल, कितने अक्षर का मोबाइल नंबर है 10 अक्षर का, अब कितना नंबर हाइड करना है तो मैंने लिख दिया डबल डगाम में स्टार कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ऑटोमेटिक काम क्या कर दिया बंद कर दिया और लगा दिया एड, लगा दिया एड। और कौन सा फार्मूला लगाया जाए, किधर का चाहिए, इस साइड का चाहिए, लास्ट का चाहिए, चार अक्षर, तो कौन सा फार्मूला लगा, लेफ्ट की राइट का, राइट का क्या लगाएंगे, राइट, ब्रैकेट ओपन करिए, किसको सेलेक्ट करेंगे, किसका राइट, इस नंबर का राइट, कामा कितना अक्षर, चार अक्षर, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए बिना इक्वल टू को फार्मूला लगेगा ही, अगर एक क्वेश्चन जो पूछा होगा गधा होगा, इक्वल टू लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर से बताए, इक्वल टू डबल एंड कामा में 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं 6 ना 6 हो गया ना, डबल एंड कामा बंद, क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे, एंड ही वाला एंड, और क्या लगाएंगे राइट, किसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर को, कामा क्या, चार, ब्रैकेट बंद, शानदार है, हाँ देखे ना आप लोग कई जगह ऐसा लिखता है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड पे ही आप लोग चेक करते हैं मोबाइल नंबर, तो लास्ट के 3 ही अक्षर दिखाता है, बाकी क्या आता है, एक्स 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 या स्टार बना होता है वहां पे, समझ में आ गई बात ना, तो वैसे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ बताना नहीं ना है, फार्मूला भी हो जाएगा क्योंकि हेडिंग ही तो फार्मूला है, क्यों हो जाएगा। तो क्लास में आज इतना ही, आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलेंगे कल एक नई टॉपिक के साथ, कल की टॉपिक होगी हमारी वी लुकअप, कल की टॉपिक वी लुकअप होगी, लिख लीजिए पहले ही, वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप, ठीक है।